करती हूँ नमन उन वीरों को स्वतंत्र जिन्होंने देश का नाम किया, त्याग तपस्या और बलिदान से आजादी हमारे नाम किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सामान्य प्राचार्य महोदय, माननीय प्रधानाचार्य जी, परम वंदनीय शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। मेरा नाम महक है। आज मैं इस पावन अवसर पर आपके सामने आज़ादी के 76 वर्ष गंत पर दो शब्द कहूँगी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन शहीदों के त्याग तपस्या और बलिदान से हमें मिला है जिन्होंने अपना खून पसीना और आंसू देश के नाम कर दिया है। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और अनेकों महापुरुषों के बहुत बड़े योगदान रहा है। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, परंतु आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी क्या हमें वो आज़ादी मिल पाई है जिसका सपना वीर शहीदों ने देखा था? नहीं। आज देश भले ही राजनीतिक तौर से आज़ाद हो, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, जातिवाद, लिंग भेद, प्रदूषण आदि ने देश को गुलाम बना रखा है। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और हर किसी ने एक अच्छे नागरिक के रूप में बेहतर भारत बनने के तरीके सोचे होंगे, पर कभी कोशिश नहीं की होगी। आज के दिन हम सबको ये प्रण करना होगा कि हम सब आपस में मिलकर ऐसा भारत बनाएंगे जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं और हम सब मिलकर देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा करेंगे। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगी। आओ बनाएं ऐसा भारत जहां दुख का कोई काम न हो, हंसी और खुशी ऐसे महके, आंसू का कोई नाम न हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। Boys committed by